हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्लास 9 मैथ का है। इसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस 0.999 सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो ये जो डेसिमल फॉर्म को हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, और आगे कहा गया है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, कि आप अपने आंसर को देखकर सरप्राइज्ड होते हैं। तो देखते हैं कैसा आंसर आएगा, इसमें चेक करेंगे। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, और अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करें कि ये आंसर कैसे आ गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें गिवन है, ये रिपीटेड डेसिमल इसमें आ रहे हैं 0.999, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू, पहले स्टेटमेंट को उतार लेते हैं, 0.999 एंड सो ऑन, यानी आगे भी 99 ही है। इस इक्वेशन को नेम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसी क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे। तो क्या इसे करते थे, हम चेक करते थे कि कौन सी कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ओनली 9 है जो रिपीट हो रहा है बार बार, 1 डिजिट रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से किया जाता है, 3 हो रहे तो 1000 से, ऐसे ही आगे। तो यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो 10 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो x को 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 10x इक्वल। यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है 1 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, 9.9999, सो ऑन, आगे भी 9 है। तो इस इक्वेशन को नेम दे लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को करना है लेस, यानी कि इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से 1x को लेस करेंगे तो क्या आता है, 9x इक्वल। अब इधर वाली वैल्यू लेस करेंगे, 9.999 में से 0.999 लेस करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। अब ये आपस में डिवाइड होंगे नंबर, x इक्वल 9/9, और ये कटिंग करने के बाद आ गई वैल्यू 1। तो देखने पर लग नहीं रहा था कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन जब हमने इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिखा तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। नंबर 5 करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो जो मेन हमारी स्टेटमेंट है वो 1/17 है, और क्वेश्चन में पूछा गया कि इसको जब डिवाइड किया जाता है तो डेसिमल एक्सपेंशन के कितने मैक्सिमम नंबर जो डिजिट हैं वो रिपीट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 1/17 है, 1 को डिवाइड करेंगे 17 के साथ, तो जल्दी से कर देते हैं क्योंकि डिवीज़न तो आपको आती ही है। तो 17 को 1 के नीचे नहीं लिखा जा सकता, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, एक जीरो लगाएंगे। अगर अपनी ओर से यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 0 पॉइंट। अब 17 को इसके नीचे लिखें तो अभी भी नहीं लिख पा रहे, तो एक जीरो हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही है। अगर एक जीरो यहाँ एक्स्ट्रा लगाते हैं तो यहाँ पर भी जीरो लगानी पड़ेगी। अब 17 5 का 85 आएगा, और इसको लेस करने के बाद आ जाता है, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 15। फिर यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, और 17 8 का 136, 17 8 का 136। अब इसको जब लेस किया जाता है तो हमारे पास आता है 14, साथ में जीरो लगाएंगे, और फिर 17 8 का 136 आ रहा है। इसके बाद इसको जब लेस किया जाता है तो लेस करने के बाद आता है 4, उसके साथ लगाई जाएगी जीरो, फिर 17 2 का करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 34, इसको जब लेस करेंगे तो आता है 6 6 के साथ फिर एक जीरो अपनी ओर से लगाई जाएगी, और उसके बाद 17 3 का करेंगे 51 आएगा, और इसको लेस किया जाएगा तो 9 आता है, 9 के साथ फिर जीरो लगाई जाती है, फिर 17 5 का हमारे पास आ जाता है 85, इसको जब लेस करते हैं तो 5 आएगा, 5 के साथ फिर जीरो लगाएंगे, फिर 17 2 का करेंगे तो आता है 34,
फोर, अब इसको जब लेस किया जाता है तो हमारे पास 16 आता है, तो 16 लगाया, और 17 9 का जब करते हैं तो आ जाता है 153, इसको भी जब लेस करते हैं 7 आता है, साथ में 0 आता है 17, और 17 4 का जब करेंगे तो आएगा 68, तो बहुत लॉन्ग डिवीज़न है ये, तो जल्दी से कर देते हैं आगे आगे, तो 2 आ गया, इसके साथ 0 लगाएंगे तो 17 1 का 17, फिर इसको लेस करते हैं तो 3 आ जाता है, 0 लगाई, और फिर ये 17 1 का आएगा 17, इसमें से जब लेस करते हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं बाकी का, तो 30 में से 17 लेस किया तो हमारे पास आ गया 13, तो यहाँ पर लगाएंगे 0। अब 17 7 का लिखते हैं 119, और इसको जब आपस में लेस किया जाता है तो हमारे पास आता है 11, उसके साथ 0 लगाएंगे, और फिर 17 6 का 102 आता है, जब उसको भी लेस किया जाता है तो 8 आता है, साथ में 0 लगाएंगे, और 17 4 का 68 आता है, इसको जब आपस में लेस करते हैं तो 12 आता है, साथ में 0 लगाते हैं, फिर 17 7 का करते हैं 119, और इसको लेस करने के बाद यहाँ पर आ गया 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हम 1 को 17 से डिवाइड करना शुरू किया था तो लॉन्ग डिवीज़न के बाद फिर से रिमाइंडर 1 आ गया, तो अगर हम दोबारा से आगे करते जाएंगे तो सेम यही वैल्यू, यही डिजिट्स आएंगे, तो कितने डिजिट्स आए हैं देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट आए हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, कहने का मतलब अभी इसके डिवीज़न ख़त्म नहीं हुई, 1 आ गया तो अगेन यही जो 16 डिजिट आगे बार बार रिपीट होते रहेंगे। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वह नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।